आज यहाँ पे हॉल में बहुत सारी बहनें, माताएं, बेटियाँ, बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले कुछ महीनों से मैं कई बार गुजरात आया और गुजरात के लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, हम लोगों को खूब सम्मान, खूब विश्वास मिल रहा है। पहले लोग कहते थे कि बीजेपी का गढ़ है, यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे लोगों से बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि अंदर लोग कितने दुखी हैं, अंदर लोग कितने डरे हुए थे, अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना चालू किया और लोग सामने आना चालू किया है। और लग रहा है कि 27 साल के बीजेपी के गंदे शासन के बाद लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग उनको उखाड़ के एक नई किस्म की राजनीति करना चाहते हैं गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों से एक पॉजिटिव कैंपेन चला रही है। हम कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम वही अच्छी अच्छी चीजें करेंगे जो हमने दिल्ली में करके दिखाई है। हम झूठे वादे नहीं करते, हम कह रहे हैं कि हम वही चीजें करेंगे जो पंजाब में कर रहे हैं हम लोग, हम झूठे वादे नहीं करते। हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम बिजली देंगे, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले वो बात नहीं करते, बीजेपी कांग्रेस वाले आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, चले जाते हैं, जनता को तो कुछ मिलता नहीं है। और दोनों की सेटिंग है बीजेपी और कांग्रेस की। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है, पहली बार लोगों को लगने लगा है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम जनता के बीच में गए, जनता ने कहा कि बिजली बहुत महंगी है और इतनी महंगाई में हमसे अपने बिजली के बिल नहीं दिए जाते। किसी के घर में एक छोटा सा घर है, एक कमरे का घर है, उसमें एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज, एक ट्यूबलाइट और उसका 5,000 का 10,000 का बिल आ रहा है। वो अपना बच्चे पालेगा कि अपने बिजली के बिल भरेगा? तो हमने गारंटी दी, पहली गारंटी हमने दी कि जैसे दिल्ली में हम लोग हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। आपके सारे पुराने बिल माफ कर देंगे, पुराना बकाया सब माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के बिल जीरो आया करेंगे, जीरो, मैजिक। फिर हमने दूसरी गारंटी दी, हमें पता चला कि बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत दुखी हैं बच्चे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी, हम हर बच्चे के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3,000 रुपये महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। दस लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। फिर हम व्यापारियों से मिले, व्यापारियों ने कहा कि जी ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे ऊपर रेड करते हैं, ये सब बंद करेंगे, रेड राज बंद करेंगे, व्यापारियों को धमकाना डराना बंद करेंगे, व्यापारियों को खुलेआम इज्जत से व्यापार करने की छूट देंगे। उनके व्यापारियों के जितने मुद्दे थे उनके ऊपर हमने बात की। फिर हम आदिवासी समाज में गए, आदिवासी समाज के मुद्दों की बात की। तो 4 गारंटी दे चुके हैं, आज 5वीं गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है। और महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को, जो जो महिला चाहेगी उसे 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है, हक है? फ्री की रेवड़ी नहीं है, अधिकार है, आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए।
स्विस बैंकों में नहीं जाना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 रुपये क्यों दोगे। मैं ऐसी बहुत सारे बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, जिसका कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पिताजी के पास आने जाने का, बस का किराया देने का खर्चा नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई बेटियां हैं जिसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है लेकिन कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है पिताजी के पास, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उनको 1000-1000 रुपये देंगे। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी जब उनको 1000-1000 रुपये मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, घर चला रही हैं। इतना महंगाई का जमाना है, घर का खर्चा नहीं चलता, पति की तनख्वाह उतनी है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उनके हाथ में 1000 रुपये जाएगा तो वह हो सकता है अपने बच्चे को थोड़ा सा और फ्रूट्स खिला देगी, थोड़ा दूध पिला देगी, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कुछ और खर्चा कर देगी। हमारी जितनी माएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेटी घर में आती है, माँ का मन करता है कि उसके हाथ में कुछ रख दूं, करता है कि नहीं करता है, लेकिन माँ को फिर बेटे की तरफ देखना पड़ता है। बेटा देता है तो बेचारी कुछ करती है, बेटा नहीं देता तो अपना मन महसूस के बैठ जाती है। अगर माँ के हाथ में 1000 रुपये होंगे तो उसको बेटे की तरफ, पति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो अपना अंदर जाएगी, संदूक खोलेगी, पैसे निकालेगी और बेटी के हाथ में रख देगी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। 1000 रुपये हर बहन के हाथ में देने से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा। एक तो है कि आप बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में पैसा डालो, कोई अरबपति है, उसके पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा? अभी उसके पास 2 जहाज या 4 जहाज खरीद लेगा, 5 जहाज खरीद लेगा, 2 बड़े बड़े बंगले, उससे अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी होती। जब एक आम आदमी के हाथ में, आम बहन के हाथ में पैसा जाएगा, वो बाजार जाएगी, सब्जी खरीदेगी, आटा खरीदेगी, रोजमर्रा की चीजें खरीदेगी, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, फिर नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी वो सामान बनाने के लिए। आम आदमी की जेब में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अमीरों के हाथ में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो ये बहुत सोच समझ के हम लोगों ने, जो हमारा विरोध करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के हमने किया है कि करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा होगा, करोड़ों घरों को इसका फायदा होगा। और जो लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पैसा कहां से आएगा। हमने पंजाब में कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। मार्च में हमारी सरकार बनी पंजाब में, सरकार बनने के बाद अगले 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून, पिछली साल अप्रैल, मई और जून में 15,000 करोड़ का टैक्स आया था। इस साल हमारी सरकार बनने के बाद, ईमानदार सरकार बनने के बाद, 15,000 के मुकाबले 21,000 करोड़ का टैक्स आ गया, 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया। हमें पूरा साल बिजली मुफ्त करने के लिए बस 3,000 करोड़ चाहिए थे और 6,000 करोड़ आ गया 3 महीने में। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। ये लोग सारा पैसा अपने अमीर दोस्तों पे उड़ा देते हैं, उनके कर्जे माफ कर देते हैं, उनके टैक्स माफ कर देते हैं, जनता से पैसे, GST लेते हैं और सारे पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा देते हैं। ये बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, जनता की सरकार चलाएंगे। मेरे को अब 7 साल हो गए दिल्ली सरकार चलाते हुए, एक ही चीज सीखा हूं, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सब कुछ होगा।